ट्रेन में एक टिटी को एक पर्स मिला। इसमें कुछ सिक्कों के साथ भगवान श्री कृष्ण के एक फोटो था। टिटी ने पूछा, यह किसका पर्स है? जिसका भी है वो प्रमाण देकर ले जाओ। यह सुन थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी आया और कहा कि उसके पर्स में कुछ सिक्के और भगवान श्री कृष्ण के एक फोटो है। टिटी इससे विशेष रूप से संतुष्ट नहीं हुआ और कहा, आपने भगवान श्री कृष्ण के फोटो क्यों रखा है? अगर आप अपने पास अपने या अपने परिवार में किसी एक का फोटो रखते तो प्रमाण करना एकदम सही होता। बूढ़े ने कहा, यह कुछ ऐसा बात है, जब मैं छोटा था तो अपने पर्स में अपने माता पिता की फोटो रखता था। जब मैं युवा अवस्था में आकर नौकरी किया तो उनके फोटो निकाल कर मैं अपनी फोटो पर्स में रखा। शादी के बाद मेरी पत्नी ने मेरे मन को इस तरह आकर्षण किया कि मैंने अपनी फोटो निकाल कर उनकी फोटो डाल दी। उसके बाद एक बेटा हुआ। मुझे उससे इतना लगाव हो गया कि पर्स में बेटे का फोटो रखा। दिन यूं ही बीतता गया। माता पिता पत्नी सब छोड़कर एक एक कर चले गए। आखिरकार मेरा बेटा मुझे छोड़ दिया, मुझे उसने घर से निकाल दिया। अंत में इस सांसारिक जीवन के बारे में मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से मैं भगवान श्री कृष्ण के एक फोटो रख रहा हूँ। टिटी ने उनके बात ध्यान से सुना और पर्स उनको लौटा दिया। बाद में जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुका तो वो नीचे उतरे और एक दुकान में जाकर पूछा कि क्या आपके पास भगवान श्री कृष्ण के कोई भी फोटो है? आज का श्लोक है, सत्य न रख्यते धर्मो, विद्या जोगे न रख्यते, मृजया रख्यते रूपम, कुलंग वृत्ते न रख्यते। इसका अर्थ यह है कि सत्य द्वारा धर्म, साधना द्वारा विद्या, स्वच्छ और पवित्रता द्वारा रूप और उत्तम व्यवहार या सुचरित्र द्वारा कुल की रक्षा होती है।